एग्रीकल्चर लैंड या हॉर्टिकल्चर लैंड के बारे में जो हम बात करते हैं तो हम दिन ब दिन देखते हैं यहाँ पे वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन या हॉर्टिकल्चर लैंड पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोजाना देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर इस पर एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी कि वो कमेटी इस पर सुपरविजन करेगी और बाजायदा यहाँ पे परमिशन देंगी, मगर परमिशन कहाँ है वो तो यहाँ पे पता ही नहीं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए है सरपंच श्री वारपोरा। शब साहब आपका खैर मुकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में, आप बता दीजिए, क्योंकि एक कमेटी तश्कील दी गई थी कि ये सुपरविजन करेगी ही, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि परमिशन देंगे, मगर और वहाँ पे कुछ कहा कुछ और जाता है और ज़मीनी सतह पे कुछ और यहाँ पे देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे पत्रकार महोदय जी हमारे पाटन ब्लॉक के साथ पाटन तहसील के साथ है, हम उनके बहुत मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं। ये हमारे साथ या हमारे जो मस्त मसाल हैं और हर वक्त ये उजागर करते हैं कि जहाँ जहाँ पर ये समझते हैं देखते हैं कहीं पर यह ऐसी ऐसी कस्म की गलतें, मैं कहाँ वो लाऊँगा ज़बान कि मैं अपने महोदय इन पत्रकार ऐसा लोगों के शुक्रगुजार इनके खराज तहसील करूँ किस तरह करूँ। और जो बात आपने सर फरमाई कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्टेड इन द हॉर्टिकल्चर लैंड कन्वर्टेड इन द एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्टेड इन द हॉर्टिकल्चर लैंड इट इज़ ऑन द वेरी टॉप हियर इन दैट वेरी पाटन, जिस तरह आप फरमाया था मतलब हमारे मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास और सबके काबसों के साथ अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो प्रोग्राम यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे सर, मगर इन अगर हम देखेंगे तो ज़मीनी सतह पर हमें ये देखने को कहीं नहीं मिलता है। जैसे देखते हैं आप, जैसा हम कहते हैं कि फ्रूट को इस साल इतना नुकसान हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है, मगर इसका जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड जो पर्पज़ था एग्रीकल्चर के लिए और हॉर्टिकल्चर लैंड जो पर्पज़ था हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए, हमें क्या हमने वो जो एग्रीकल्चर तब एग्रीकल्चर लैंड हॉर्टिकल्चर में तब्दील किया, जिस तरह निकला अफरवट आप देखते हो, अफरवट से लेकर तावर तक हमारे यहाँ सब उन्हें बस सेब के दरख्त लगाए वहाँ पर यहाँ पर। मेरा सवाल कुछ और है, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड या हॉर्टिकल्चर लैंड इस पे जब कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो एक परमिशन बाजाबता हमें उस पे देना पड़ता है, तो परमिशन के बगैर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप एक सरपंच हो, हेड हो आप एक विलेज के, वहाँ पे अगर हम ये भी देखें कि आपको एक परमिशन इजरा करने, क्या आप परमिशन देते हो? जी सर, आपका कहना बजाय है सर, जिस तरह आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर लैंड पर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, सर ये मेरे हिसाब से इनके जहन में आप नहीं इम्बाइब हो रहा है कि देना क्या था, जैसे पंचायत ने इन पर मुकर्रर किया है कि पीस आयत किया कोई भी कनेक्शन नहीं होनी चाहिए एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में या एनी वायर, तब तक जब तक ना आप फीस करोगे पंचायत से अपना मतलब इजाज़त नामा अपना वो लेंगे वहाँ हुक्मनामा परमिशन लेंगे तब आप कंस्ट्रक्शन वहाँ पर करें। मैं किस नज़र से देखूँ, क्या मैं ये देखूँ समझूँ कि ये फेलियर है आप वहाँ पे जो आपका पंचायत वहाँ पे सिस्टम है उसका फेलियर है, या मैं समझूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको साथ नहीं दे रही, क्योंकि पटवारी और वहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी और उनका हेड सरपंच है जिसको अथॉरिटी दी गई है कि वो वहाँ पे परमिशन देंगे, आप कहते हो मैं परमिशन देता ही नहीं हूँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, किसका फेलियर समझूँ मैं? सही बात है, मैं आपको दिखाऊंगा जब मेरे इलाके में, खासकर मैं अपने हलके की बात कहूंगा सर, मैंने जब देखा वहां पर कनेक्शन हो रहे मैंने उनके पास गया और उनको नोटिस भेजा, सर आप तब तक नहीं काम शुरू स्टार्ट करोगे जब तक आप परमिशन लोगे, जब परमिशन लिया उन्होंने मेरे सामने वो फाड़ दिया और मेरा SS जो था वो मेरी बुजाग ब्लॉक पटन के तक ब्लॉक RDD डिपार्टमेंट तक था, उन्होंने मुझे कोई हेल्प इसमें नहीं किया और आज तक उन्होंने कुछ किस्म का अगर मुझे पेडी बैग देते हेल्प करते या उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो ऐसा नहीं होता था, इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ना वो ज्यादा कसूरवार है इसमें सर, अगर होगा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात आपने छेड़ी, मगर परमिशन तो आपको इजरा करने हैं ना, हेड आप हो वहां पे पटवारी और जो मैंने पहले ही कहा कि पंचायत सेक्रेटरी और उनका हेड आप, परमिशन आपको देने, रेवेन्यू को क्या करना है? रेवेन्यू को इस यह करना है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन द हैंड ऑफ SDM साहब एंड तहसीलदार साहब, बट डज नॉट लाइज इन द हैंड ऑफ BDO साहब, BDO साहब कहते हैं कि वो बेबस वहां लगता है कि मैं क्या करूंगा जब किसी ने माना नहीं था, BDO साहब के पास आपके तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर्स नहीं, तो वो तो अब आए BDO साहब के पास, अब आए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर्स अब आए हैं, आप वो इस्तेमाल इंशाल्लाह करेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मैं जब जो डिपार्टमेंट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वो क्यों सही है, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट फिशरीज है सोशल फॉरेस्ट है फॉरेस्ट है ये सब डिपार्टमेंट सिर्फ बैक टू विलेज में देखने को मिलते हैं अगर कई कई गाँव में आते हैं। सर आपने कहा सर BDO मतलब पंचायत RDT महकमा, सर मैंने भी अभी नहीं सुना आपकी जबान से सुन रहा हूँ कि उनको मजिस्ट्रेट पावर्स आए हैं वो तो इस पर कार्रवाई करेंगे, मगर इससे पहले हमें सोली डिपेंड रहना पड़ता है अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये जो अथॉरिटीज SDM साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के हुक्म। मुझे आप ये समझाएं क्या ये आपका फेलियर है, आपको चलाना नहीं आता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं दे रही? नहीं सर, हम जो ग्राउंड पर काम करते
हम ग्राउंड पर जो हम देखते हैं हम अपने ऑफिशियल के नोट्स में लाते हैं वो इसमें थोड़ा बहुत दे आर नॉट पेइंग फुल इंटरेस्ट इन इट, जिससे हम फेल हो रहे हैं नीचे से। और चलिए, ये हमारे साथ यहाँ पे सरपंच श्री वारपोरा है, जिनका साफ यहाँ पे कहना है कि अगर यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी कि अब यहाँ पे परमिशन पंचायत सेक्रेटरी पटवारी और उनका हेड यहाँ पे सरपंच रहेगा, वो यहाँ पे परमिशन इजरा करेंगे, मगर ये कहते हैं कि कहा गया है मगर जमीनी सतह पे हमारा यहाँ पे कुछ चलता नहीं है, जिस पे हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं दे रही है। तो अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अगर वो हुक्मनामे निकालते हैं कि हम सरपंचों को ये पावर्स देते हैं तो फिर उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन।